क्या दोस्तों आपके पास भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड नया आया है और नया एटीएम कार्ड का पिन पहली बार बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए यह वीडियो है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि न्यू एटीएम कार्ड का पिन कैसे बनाते हैं, यानी कि जनरेट कैसे करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो आपको पासबुक ले लेना है, पासबुक ले लेने के बाद आपको मोबाइल नंबर ले लेना है और वो मोबाइल ले लेना है दोस्तों। उस पर क्योंकि SMS आता है, मैसेज यानी कि OTP आता है, आपको वो OTP यानी कि ले लेना है। तो चलिए आपको मोबाइल ले लेना है और आपको कौन सा ATM में जाना है तो दोस्तों पिन बनाने के लिए आपका स्टेट बैंक का ATM है तो ये आपको स्टेट बैंक के ATM मशीन में ही जाकर आप पिन बना सकते हैं और पैसा निकालने की बात हो तो आप कहीं भी निकाल सकते, कोई भी ATM हो आप पैसा निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट ATM कार्ड के मशीन में और स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि किस तरह से हम ATM कार्ड का पिन बनाएंगे। उससे पहले अपना भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार यादव, आप देख रहे हैं टॉप टिक टेक्निकल। दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर वीडियो कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों हमारे चैनल पर इसी तरह का वीडियो नॉलेज और मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट ATM कार्ड के मशीन में। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं SBI के ATM मशीन में, तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आपको ATM कार्ड को इस तरह से GP साइड की देख सकते हैं इस तरह से पकड़ लेना है और इसमें डाल देना है। तो चलिए ATM को हम डाल देते हैं। दोस्तों ATM को डाल देने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से इंटरफेस खुलकर आ जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेशनल पर आपको क्लिक कर देंगे, इंटरनेशनल पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों प्लीज वेट, थोड़ा देर वेट करेंगे और कुछ नए इंटरफेस खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेसिंग में चेक हो रहा है, थोड़ा देर वेट कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा देर वेट करने का प्लीज सिलेक्ट लैंग्वेज, तो आप अपने लैंग्वेज अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। तो चलिए इंग्लिश चूज कर लेते हैं। इंग्लिश चूज करने का यहाँ पर देख सकते बहुत सारा ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं पिन जनरेट, पिन जनरेट पर आपको क्लिक कर देना है। पिन जनरेट पर क्लिक करेंगे तो एक कोड नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है, चलिए और यहाँ पर आपको करेक्ट पर टाइप कर देना है। करेक्ट पर टाइप करने का प्लीज इंटर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपको टाइप कर देना है। और करेक्ट पर टाइप करने का यहाँ पर देख सकते हैं इंटर अकाउंट नंबर, यहाँ पर जैसे मोबाइल में टाइप करने का करेक्ट पर टाइप कर देना है। करेक्ट पर टाइप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं योर ट्रांजैक्शन बीनिंग प्रोसेस प्लीज वेट, तो यहाँ पर आपको चेक हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पर्ची भी निकल कर आ चुके हैं इस तरह से। इस तरह से निकल कर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको एक मोबाइल पर OTP जाएगा। OTP कौन सा है यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ आपको OTP ये रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं OTP यहाँ पर आपको आ चुका है, यानी कि पिन आ चुका है। आप लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं 4139 है, इसको डाल देते हैं। यहाँ पर आप देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है ये पिन है 6183, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6183 पिन है, ये आपको डालना है दोस्तों। पिन का मतलब ये हुआ दोस्तों, आप ये पिन इंग्लिश में लिखा होगा वही पिन है। फ्रेंड आपको OTP आ जाने के बाद, यानी कि मैसेज आने के बाद, पिन जनरेट हो जाने के बाद मैसेज में आ जाता है तो फिर से आपको कार्ड इस तरह से घुसाना है और डाल देने के बाद आपको यहाँ पे आपको कुछ नए इंटरफेस खुलकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेशनल पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेशनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लीज वेट, तो यहाँ पर वेट कर लेना है 2 मिनट। और यहाँ पर चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग में है, यानी चेक कर रहा है। फिर से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पिन जनरेट हो चुका है तो दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं बैंकिंग, बैंकिंग पर आपको क्लिक कर देना है। बैंकिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पिन चेंज, यहाँ पर देख सकते हैं पिन चेंज का ऑप्शन आ रहा है, पिन चेंज का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। पिन चेंज का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इंटर अन्य नंबर, आपको कोई भी नंबर दो नंबर आपको टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर आपको यस कर देना है। प्लीज इंटर यहाँ पर पिन, तो आपको जो पिन मैसेज आया है वो पिन डाल देना है 6183। दोस्तों ये पिन जो मैसेज आया वो पिन डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्लीज इंटर योर न्यू पिन, आपको जो बनाना चाहते हो आप डाल सकते हैं।
और ये टाइप करने के बाद फिर से आपको री इंटर पिन डाल देना, न्यू पिन आपको दो बार टाइप कर देना। दो बार जैसे ही टाइप करेंगे दोस्तों, आपका जो आप पिन बनाए हैं वो ट्रांजेक्शन यानी कि आपको सक्सेसफुल यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजेक्शन कम्प्लीट यहाँ पर हो चुका है। तो आई होप आप लोगों का यह वीडियो काफी यूजफुल मिला होगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।